ये दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जैसा कि देख सकते हैं जो कार है फोर्ड की, फोर्ड फिएस्टा, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है इसका फ्यूल गेज नहीं चल रहा है। देख सकते हो मैंने एक निशान ऑन किया हुआ इसका और ये फ्यूल गेज है, थोड़ा सा चलता है फिर मतलब दिखा नहीं रहा इसका। गेज का प्रॉब्लम है कि मीटर का है, आप स्कैनिंग से भी इसको चेक कर सकते हो एंड मैनुअल भी चेक हो जाता है, इतनी बड़ी वो नहीं है। इसके अंदर ज़्यादातर इसका जो गेज है मोटर पीछे लगा रहता है उसका प्रॉब्लम आता है, मोटर ख़राब होता है। बट मैं आपको स्कैनर से दिखाने वाला हूँ कि कैसे स्कैनर को इसको आप एक्टिवेशन से या लाइव डाटा वगैरह में जाके चेक कर सकते हो। इसका यहाँ से हम क्लिक करेंगे डायग्नोस, इसके बाद डायग्नोसिस, इसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे ऑटो स्कैन। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं ऑटो स्कैन, कितना और टाइम, हाँ बोला आधे घंटे में इसको। तो गाड़ी का भी नंबर इसने रीड कर लिया, देख सकते हो 2011 की 1.6 एंड यहाँ से हम करते इसको ओके। तो प्रोग्रामिंग, डायग्नोस, सर्विस ये सब आया इसके अंदर। हम जाएंगे यहाँ पे डियाग, सिस्टम डियाग स्नोस। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे इंस्टॉलमेंट क्लस्टर, यानी ये जो है मीटर है, आईसी जो लिख के आता है स्कूल से मीटर, इंस्टॉलमेंट क्लस्टर, इसके बाद क्लिक करेंगे इंस्टॉलमेंट क्लस्टर, रीड ट्रबल कोड। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्कैनर से करो ये फोल्ड, आप विदाउट भी बगैर स्कैनर के भी कर सकते हो। गेज को अर्थिंग देंगे तो भी हो जाएगा चेक, बट बहुत लोग बोलते हैं स्कैनर से भी चेक करने, तो आप स्कैनर से भी चेक कर सकते हो। तो देख सकते हो ये फ्यूल गेज का बता रहा है, ओपन सर्किट फ्यूल सेंडर जो मतलब सेंड करता है फ्यूल गेज है उसका फॉल्ट को दिखा रहा है, हो सकता है उसका हो या उन लोग ने वायर भी निकाल के चेक किया हो। कम्युनिकेशन विद बीसीएम कंट्रोल मॉड्यूल इज लॉस्ट, द बैटरी वोल्टेज इज स्लो। एक बार फॉल्ट यहाँ से करता हूँ मैं, क्लियर क्लियर ट्रबल कोड यस ओके। तो रीड ट्रबल कोड, ओपन सर्किट ऑफ फ्यूल सेंडर, ठीक है उसका ही फॉल्ट बता रहा है, यानी जो इसका गेज लगा हुआ रहता है टाकी के अंदर फ्यूल गेज टैंक के अंदर वो ख़राब बता रहा है इसका, इसके लिए काम नहीं कर रहा है। तो अगर अपने को मीटर कंफर्म करना है कि अपना मीटर ओके है या गेज ख़राब है, एक ऑप्शन और भी है इसके लिए, हम यहाँ से करेंगे इसको थोड़ा क्लियर आ जा भाई, इसको करेंगे यहाँ से बैक एंड यहाँ से करेंगे एक्चुएशन टेस्ट, ठीक है इसको बोलते हैं एक्चुएशन टेस्ट। नीचे ढूंढेंगे हम फ्यूल गेज, देख सकते हो यहाँ पे फ्यूल गेज आ गया, फ्यूल गेज थोड़ा क्लियर आ जा, मैं टेस्टर भी लाया ना दो मिनट, यहाँ पे फ्यूल गेज। तो अभी इसमें 9 दिखा रहा है, देख सकते हो दो ऑप्शन दिया हुआ यहाँ से माइनस प्लस। अभी मैं यहाँ से अगर इसको दबाता हूँ यहाँ से थोड़ा सा ए क्लिक किया मैंने, देखोगे आप काटा बढ़ते रहेगा, वापस से क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है फूल कर देता हूँ यहाँ से वापस से बढ़ा के, और थोड़ा बढ़ाता हूँ और प्लस। तो जैसे मैं यहाँ से इसको प्लस कर रहा हूँ तो ये बढ़ रहा है, मीन्स अपना मीटर जो है काम कर रहा है, ठीक है। थोड़ा क्लियर क्यों नहीं आ रहा यार, तो देख सकते हो फुल दिखा रहा है। अभी यहाँ से मैं इसको माइनस करता हूँ, यहाँ पे जो ये माइनस का बटन दिया हुआ है तो नीचे आते रहेगा, क्लिक करता हूँ मैं नीचे आते रहेगा, जैसा क्लिक करूँगा फुल नीचे आ गया। तो इसका टैंक खोलना पड़ेगा, फ्यूल गेज का जो वो है उसका प्रॉब्लम है, मतलब फ्यूल गेज ख़राब है इसका, इसके अंदर दिखा भी रहा है जैसा कि देख सकते हो। बाकी इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो, जैसे कि अगर हम लाइव डाटा में जाएंगे तो देखते हैं लाइव डाटा में क्या क्या ऑप्शंस है। एंटी सेम फंक्शन, लेम जनरेटर, फ्यूल गेज, फ्यूल गेज पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट वन कुटे गलर फ्यूल गेज, यहाँ पे ओके 9 दिखा रहा है। तो इसको ग्राफिक्स में देखते कैसा दिखता है, ग्राफिक्स में यहाँ से फ्यूल गेज 9 दिखा रहा है, ठीक है मतलब बहुत थोड़ा ही काम कर रहा है, ये उठ रहा है जैसा कि देखते हो। मैं चाबी बंद करके चालू करता हूँ, देख सकते हो थोड़ा सा हिल रहा है फिर रुक जा रहा है, मतलब मीटर अपना ओके है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है इसका फ्यूल गेज ख़राब है। तो इसको मैं थोड़ा सा वीडियो करता हूँ पाउस और आपको इसको क्या कहते हैं फ्यूल गेज इसका दिखाता हूँ। तो ये इसका फ्यूल गेज है, देखिए तो हम लोगों ने इसको फ्यूल गेज ओपन कर लिया, टैंक के अंदर लगा हुआ रहता है, ये इसका फ्यूल गेज है, ये इसका सेंडर, ये मतलब बढ़ाता है।
ये ऐसा नीचे रहेगा तो कम दिखाता है, धीरे धीरे ऐसा ऊपर हो जाता है तो ये काम करता है, तो ये इसका ख़राब होता है। ये अलग से भी मिलता है, आप ये भी चेंज कर सकते हो, या इसको आप टेस्टर से अर्थिंग दोगे तो भी वो ऊपर जाएगा, ऐसा भी चेक कर सकते हो। इसमें जो दो वायर है ये मेन अर्थिंग ये फ्यूल पम्प के है, और ये जो दो वायर है ये आपके गेज के, ठीक है, दो गेज के दो फ्यूल पम्प के वायर है। ये जो पम्प है दो उसका, ये इसका वायर है, ये ग्राउंड है, ये मेन है, और ये दोनों गेज के वायर है। तो बहुत बार ऐसा होता है ये जो आपका फ्लूड है ये इसके अंदर कुछ लीकेज हो गया, मतलब पेट्रोल भर जाता है तो भी काम नहीं करता ऐसा, मतलब डाउन में लोड की वजह से उठता नहीं है, डाउन रहता है। एंड बहुत बार इसका जो ये रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस, इसमें से कोई ब्रेक हो जाता है तो काम नहीं करता है, तो उसको क्लीन वगैरह भी करेंगे तो हो जाता है। तो फाइनली इसके अंदर यही प्रॉब्लम है, मैं आपको ये, तो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इसका वायर कहीं से ब्रेक हो, समटाइम्स ऐसा होता है गेज ओके रहता, वायरिंग का इशू आता क्योंकि ओपन सर्किट दिखा रहा था, तो हो सकता है कि इसका वायर भी कहीं से ब्रेक हो। चेक करते हम लोग कि वायर तो ये ब्रेक नहीं है इसका, क्योंकि कटा हुआ थोड़ा दिख रहा है, ये वाइट वाला वायर जो है इसका कहीं पे ब्रेक हुआ है, मतलब ये जो फ्लोरिंग्स है इसके कहीं पे कभी कभी दब जाता है या ब्रेक वगैरह यानी टूट वगैरह जाता है, वायरिंग का भी इशू रहता है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो मल्टीमीटर से, कॉन्टिन्यूटी वहाँ से लेके यहाँ तक मिला के ओके है कि नहीं है। तो देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ इसमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का, लेके आओ एक लंबा वायर लेके आओ वहाँ से यहाँ तक, और क्योंकि मैं इसको जब यहाँ से डायरेक्ट करूँगा ना तो वहाँ पे गेज उठना चाहिए, एक बार चाबी बंद करके चालू करो उसका, यहाँ से जब मैं इसको डायरेक्ट करूँगा दोनों वायर को तो गेज उठना चाहिए वहाँ पे, बंद करके चालू करो, तो फाइनल गेज नहीं उठ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम जब बंद इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं तो वहाँ पे उठना चाहिए, देख सकते हो उठ नहीं रहा है, तो एक बार वायर चेक करते हैं इसका। ये टेस्टर पकड़ो यहाँ पे, ये वाइट वाले वायर में पकड़ो सही से, नहीं पकड़े हो सही से, वहाँ से वायर छूट गया क्या, देखो वहाँ पे अटका दो वहाँ पे ना, फंसा दो उसको, गेज ऊपर करो, ये आराम से करो, मुश्किल नहीं, ऊपर आन दो, फुल टच करो, फुल टच करो, नीचे करो, ओके, फिर वापस करो और करो, ठीक है गेज ओके। एक बार यहाँ से लेके इसका वायरिंग चेक करो, नमा सॉकेट निकालते हैं सब। ये इसका एक ट्रिपर है, दिखाता हूँ एक मिनट, ये वाला जो है ना ये इसका ट्रिपर है, कभी कभी ये भी बंद होता है, ये भी ध्यान रखने का, अगर ये बंद हुआ तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। ये लोकेशन है इसका, तो इसका जो ये वायरिंग है देख सकते हो यहाँ पे, ये जो वाइट वाला वायर बहुत बार होता है, वायर भी ब्रेक हो जाता है इसके, ये वायर जो है, तो मैं आपको अभी लाइव डाटा में चेक करके दिखाता हूँ, फॉल्ट कोड पहले चेक कर लेते हैं इसका, रीड ट्रबल कोड, ठीक है देख सकते हो नो फॉल्ट कोड प्रेजेंट दिखा रहा है, अभी फॉल्ट नहीं है क्लस्टर मीटर के अंदर। एंड एक बार इसको हम लाइव डाटा में चेक कर लेते हैं कितना दिखा रहा है, फ्यूल गेज थोड़ा सा उठा के रखो उसको, फ्यूल गेज यहाँ पे ओके, तो देख सकते हो जैसा हम इसको अप डाउन कर रहे हैं अभी बढ़ रहा है, जो पीछे इसका फ्लूड है, फ्लूड सेंटर जो मतलब गेज है, देख सकते हो बढ़ रहा है 58, 59, 60, जैसा बढ़ाएंगे वैसा बढ़ रहा है। तो फाइनली इसका प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो गया, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।